गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज दूसरा एक ब्लॉग लेके आप लोगों के साथ शामिल हो गई हूँ। देखिए, मैं निकल गई कैब लेकर, लंच करके थोड़ा रेस्ट लेके गई ना, तो गाड़ी में मेरा नींद आ रहा था। बस इतना सुनहरा टाइम, क्या बताऊँ, वो शाम होने वाला है। ऐसे कोई टेंशन नहीं, ऐसे लॉन्ग ड्राइव में चले जाओ, देखना मन फ्रेश आ जाएगा। मैं तो गाड़ी में बैठ के उतरने के मन नहीं था, बोल लग रहा था चलते जा। मैं ऐसे देखते जा रही हूँ, इतना सुनहरा, इतना सुंदर टाइम, बस शाम होने वाला है। थोड़ा लाइट जल रहा है और हवा मस्त चल रही है, लग रहा है कि रास्ते ख़त्म ना हो। बट क्या करें, अकेले कैब में से थोड़ी ना ऐसे जा सकते हैं। कैब बोला तो उतर के देगा ही, उतर देगा। तो ये देखिए, थोड़ा लाइट जल रहा है। तो मैं घर से जा रही हूँ और मेरी हस्बैंड उधर ऑफिस से आके मेरे साथ जॉइन हो गए। मुझे थोड़ा काम भी है और ख़ास करके राशन लेना है। राशन में क्या, वो भी ला सकते हैं, मगर एक लाते दूसरा नहीं लेते। फिर से लिस्ट करो, फिर से देखो। मुझे याद भी नहीं रहता क्या लाना। मैं यहाँ जाऊँ तो हर गली में एक बार वो करती हूँ ना, तो देख के मुझे जो ज़रूरत चीज़ है वो ऐसे उठा लेती हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। तो बस रास्ता ख़त्म ना हो ऐसे लग रहा है। और आ गई मैं शॉपिंग में अंदर चली गई। बस आज बिल्कुल हटने की मन नहीं था वो बाज़ार में। फिर मैंने देख के ये उठा बोला, मैंने कुछ हेल्प नहीं की। उस बाद में आके नीचे ग्राउंड फ्लोर में आके बैठ के देखती रही लोग कैसे हलचल मचा रहे। राशन लेने के बाद मैं थोड़ा वो यूटेंसिल में चला जाती हूँ, देखती हूँ कुछ सामान उठा पाऊँ या नहीं। बट ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं थे, मैं ज़्यादा कुछ उठाया नहीं, बस देखा। एक बार चक्कर लगाती हूँ मैं, डर लगता है चीज़ों में, डस्ट तो है ही थोड़ा, और कोरोना फिर से वो हो रहा है ना, इसलिए डर भी लग रहा था। कपड़े में भी थोड़ा एक चक्कर लगाया। कभी होता है कि बिना प्रोग्राम में सुंदर चीज़ मिल जाता है, तो इसलिए मैं जब भी जाती हूँ एक चक्कर लगाती हूँ, एक दो उठा भी लेती हूँ। मेरा कपड़ों का ऐसा शॉपिंग नहीं होता, कपड़ा खरीदना है ऐसा बोल के कुछ शॉपिंग नहीं होते। देखिए, अंधेरा हो गया, बाहर नज़ारा देखिए, अंदर से बाहर क्या, थोड़ा क्यों सुटाया मुझे, मैं कितना लग रहा है, कहाँ क्या है ना, अच्छा लग रहा है। बस मैं ऐसे ही करती रहती हूँ और वो देखे तो डरते रहती। बाज़ार हो गया, जाते वक्त जो थकावट होती है, हम तो गाड़ी में वैसे सू कर आ रही है, उनका थोड़ा दिक्कत हो गया, कष्ट हो गया कि ऑफिस से आके सीधा हमारे साथ ज्वाइन किया, मेरे साथ ज्वाइन हुआ। शॉपिंग करना है बट टाइम नहीं मिलता ना, वो इसलिए राशन करना है। हमारे रमज़ान आ रहा है इसलिए प्रिपरेशन तो ज़रूरी है, बट ये रमज़ान के लिए नहीं है, ये हमारा मंथली ग्रोसरी शॉपिंग है। इनमें से मैं कुछ चीज़ आप लोगों का नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, मेरा रमज़ान की थोड़ा प्रिपरेशन, पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, टाइम भी नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं ट्राई करूँगी। मेरे रमज़ान कैसे प्रिपरेशन करती हूँ, थोड़ा प्रिपेयर करती हूँ। तो देखो, गाड़ी में बैठ के बस देखते जाओ और गाड़ी चलते जाए, यही चल रहा है। फिर करके आने के बाद देखिए, नाश्ता स्पाइट, गर्मी पड़ा ना तो ये सब चाय बाय पी के मैं बाज़ार, वो राशन जल लाई थी ना, सब जगह में रख दिया। और ये थोड़ा बाज़ार देख रही हूँ कैसा हो, खुल के चीज़ें फेंकना है, अंदर से एक वो डब्बा निकलेगा, पैकेट प्लास्टिक, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गए ये शर्ट्स, समर के सीज़न में चाहिए बहुत
रोज एक एक रोज एक एक कलर भी डिफरेंस है। प्राइस भी ज़्यादा ले लिया 1800-1700 ऐसे करके एक एक। और देखा जाए तो आदमी को कपड़ा ज़्यादा लगता है, रोज़ पहनो, सारा दिन तो बाहर के कपड़े में रहते हैं, रात में जब सोते हैं तो फिर घर के कपड़े, फिर बोलो तो बाहर के कपड़े, बाजार ऑफिस, इसलिए उन लोगों का कपड़ा ज़्यादा ख़राब भी होता है, धोना भी ज़्यादा होता है और ख़रीदना भी ज़्यादा होता है। इतने इतने कपड़े घर में है कि वो ऐसी शर्ट्स जो पहना भी नहीं जाता और फेंका भी नहीं जाता। चलो फिर ये कुछ चीज़ें ना एक साथ में वो लाए बाज़ार से लाते ही ठीक ना करो तो वो सूखे। ये जो बीट, एक तो वो सब्ज़ी के साथ खाया नहीं जाता, जब भी डालो सब्ज़ी में सब्ज़ी वो हो जाता, रंगा हो जाता है। तो फिर ऐसे करके मैं थोड़ा ग्रेट करके रख रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में डालूँगी, सलाद में भी डालूँगी। चिली बहुत अच्छी चीज़ है तो मैं ऐसे करके जो फ्रिज में रख दो तो सूख के एकदम वो हो जाता है, फिर बाद में काम में काम करना आसान नहीं होता इसके साथ, तो इसलिए फ्रेश होते तक रहते रहते मैंने उसको वो कर दिया, ग्रेट करके रख दिया, स्टोर कर दूँगी। इसको मैं वेजिटेबल रोल के साथ, रोल के अंदर भी डाल सकती हूँ, एक चिकन डाल के, या फिर सलाद भी खा सकती हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ में वो क्या, जैसे मैं ग्रेट करके गाजर का वो बनाती हूँ ना थेपला, इसका बीट का भी बनता है, बीट डाल के वो बेसन का जो चिल्ला बनाया था ऐसे ही खाया जाता है। किसी भी तरह खाना है, बस ऐसा एक चीज़ इतना कलरफुल, जिसमें भी डालो, सब्ज़ी में डालो तो सब्ज़ी पूरी डिफरेंट। और ये देखिए सीज़न चले गए फिर भी ये बाज़ार से ले आया, अच्छा है बट वो सीज़न की चीज़ एक होता है ना फ्रेश। और ये इसलिए मैं ये इसको भी मैं काट के रख रही हूँ स्टोर करके, तो वो फ्राई करते वक्त दिक्कत नहीं होगा, फिर से निकाल के फ्राई कर सकते हो, वरना टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। और ये देखिए दाई 2500 की अगर राशन खरीदो तो ये वो उन लोगों ने 600 का ये वेजिटेबल या फ्रूट्स देते, या ये देखो ये वेजिटेबल या फ्रूट 600 का है, पता नहीं 400 का एप्पल है। चलो खा के देखूँगी कैसे। और ये नेक्स्ट है देखिए, किसी ने हमको एक चीज़ दिया, बाप रे, वो क्या कहते हैं ना वो भैंस की कार्ड, वो कार्ड को मलाई ज़्यादा, इतना टेस्टी और इतना प्योर, क्या बताऊँ मैं, वो पूरा डब्बा भर के दिया था, फिर मैं किसी को थोड़ा थोड़ा वो कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इतना तो खाया नहीं जा सकता। फिर इसके साथ मैं लस्सी बनाई, खाड़ी बनाई, ऐसे करके ये पूरा डब्बा 3 किलो होगा, इतना पानी नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ मलाई जैसा कार्ड है। बोल के दिया कि भैंस का है, इसका फार्म है, फार्म से दे के दे दिया, ज़बरदस्ती देखेंगे। चलिए ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, नेक्स्ट मॉर्निंग मैं थोड़ा फूलों के साथ वो कर रही हूँ, क्योंकि फूल मुझे बहुत पसंद है, फ्लावर्स। बट ये थोड़ा आप पहले की क्लिप से, क्योंकि ये फ्लावर ख़त्म हो गया पेड़ से और पेड़ थोड़ा सूखने लगा, पता नहीं ये होगा या नहीं, इसलिए आप लोगों का शेयर किया। और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आज बाहर गई तो एक चीज़ मैं ख़रीद के ले आई, मुझे इतना पसंद है, उस दिन देख के आई थी दूसरे कलर की, बट आज जाके ये मल्टी कलर की मिल गए तो ये ले आई, बहुत सारे कलर ड्रेस के साथ मैचा हुआ, काफ़ी प्राइस है इसका, इंपोर्टेड माल बोला, बस सुंदर भी है, चलो खैर ठीक नहीं, प्राइस जैसा भी हो पसंद आया चीज़। तो ये था मेरा आज का छोटा सा शेयर आप लोगों के साथ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़।